क्लास में चुपचाप क्यों बैठे हो, क्योंकि बच्चा सेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो आप क्या करोगे? सो हाय स्टूडेंट्स, दिस इज योर सोशल साइंस टीचर एंड आल्सो योर बायोलॉजी टीचर शुभम पाठक, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, समबडी दैट एवरीबडी नो, हिटलर, एडॉल्फ हिटलर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे इस सेशन के साथ. द चैप्टर दैट वी आर डूइंग इज नाथिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. And if you want to talk about this chapter, if you want to learn from me, that too free of cost, then please join our Telegram app. और ये जो playlist मैं दे रही हूँ, इससे आपकी मेहनत और कम हो जाएगी, क्योंकि आपको sessions को start करना, sorry, search करना ही नहीं पड़ेगा. आप लोग यहाँ पे sessions को देखे. अभी मेरे को बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, आनंद, मोहम्मद, अंजलि, हाय बच्चा पारी, how are you guys doing, सुरेश, विलास. जल्दी से अपने दोस्तों को टेक्स्ट करके बुला दो, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर नंबर 2 के बारे में. आज हम पढ़ेंगे कि हिटलर ने लड़ाई की तो की कैसे, कैसे हुई दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध, और कैसे हुआ उसका खात्मा, हाउ डिड इट एंड ऑल्सो. ओके, सामने का न्यूज रिपोर्ट है, बट यू गेट माई पॉइंट, राइट. वर्ल्ड वॉर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर ने कैसे, और हिटलर ने जो लंबे लंबे वादे किए थे कि एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, उन वादों का क्या हुआ, वो भी आज पढ़ेंगे बच्चा पार्टी. लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वॉन्ट टू कीप लर्निंग फ्रॉम मी लाइक दिस, यू शुड ज्वाइन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. वी आर ओनली 6 months away from our final exams, and in this 6 months I will make sure that you know each and every word of your NCERT. You can question each and every question that has ever been given from all of these chapters. सारे chapters के सारे questions करने हैं और सारे map walk करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ subscription पे मिलेगा. सारे educators, believe me, 9th, 10th, 11th, 12th, सारे educators Unacademy पे जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सब कुछ अवेल हो जाएगा इन जस्ट 22,000, क्योंकि मैं दे रही हूँ आपको कोड SHUBHLIVE. 9th स्टैंडर्ड में इससे अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 9th में मैं हूँ आपके साथ, 10th में भी मैं हूँ आपके साथ, राइट. सो दोनों साल 10th में तो मैं आपको बायोलॉजी के लिए भी पढ़ाऊंगी. सो थिंक अबाउट इट, टेक द सब्सक्रिप्शन. And I'm gonna give you 10% code with 10% discount with this code SHUBHLIVE. Now, moving on, let me congratulate Vilas, Simran, Savita, Sumedha. चलो इसके लिए भी अपने दोस्तों को बुला लो जल्दी से पिंग करके. क्यों? क्योंकि जो भी आप लोग आंसर देते हो, when you give answers to the questions that I give you in the session, जब मैं session में questions देती हूँ, आप उसके answer देते हो और उनके answers comments में लिख के बताते हो, तो उससे आपको मिलता है ये. तो विलास, सिमरन, सविता और सुमेधा ने जैसे आंसर देके अपनी जगह बना ली है, विलास ने स्पेशली, क्योंकि उनका एडिटेड भी नहीं है आंसर, अपनी जगह बना ली है यहाँ पे स्क्रीन पे आप सबके सामने. आप लोग भी ये बना सकते हैं. आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है सेशन को. सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो आपको आएगी नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन आएगी तो जल्दी जल्दी देखोगे आप सेशन, और जैसे ही देखोगे वैसे ही कर दोगे कमेंट, और कमेंट करके आ जाओगे स्क्रीन पे. तो क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट कर दे ये इजी पीजी 11 स्क्वीजी चैप्टर, यस नो? यस, आई डू रिमेम्बर यू विवेक. हाय, हाय राजेश्वरी, हाय टेक्निकल, हाय रोहित. बहुत सारे क्विज क्वेश्चन आने वाले हैं आज सेशन के बीच में. Don't go anywhere. चलो रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. तो बात यह आती है कि हिटलर ने जो लंबे लंबे वादे किए ना, whatever Hitler promised to the country, whatever Hitler promised to the German people, he delivered some of them. Yes, he did. उसने बोला था गरीबी हटा दूंगा, उसने बोला था एम्प्लॉयमेंट ले आऊंगा, क्या वो लाया? Of course he did. गरीबी हटाने की पूरी कोशिश की गई, एम्प्लॉयमेंट लाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट को लाया गया. दिमाग तो पूरा लगाया था हिटलर ने, टॉमस सैशेट को लेके आया था हिटलर, और ये वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट ये ठान के आए थे कि जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट 100% होगी, 50% नहीं, 20% नहीं, 100% एम्प्लॉयमेंट होगी. तो भाई इकोनॉमिस्ट साहब ने क्या किया? इकोनॉमिस्ट साहब ने बताए 2 पॉइंट. उन्होंने कहा हिटलर भाई साहब, प्रोडक्शन फुल ऑन करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट फुल ऑन करना पड़ेगा. और एम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोई चाचा अंबानी को नहीं दे सकते, किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दे सकते. एम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को, कंट्री को अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी. द कंट्री विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट
हिटलर हिमसेल्फ वुड हैव टू बी रिस्पांसिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। हिटलर ने भी इकोनॉमिक्स की बात मान ली, ताशर्ट की बात मान ली, और हिटलर ने बोला ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, बताओ क्या करना है। इकोनॉमिक्स और हिटलर ने मिलकर फिर बनाया फुल प्रूफ प्लान। चमका की नहीं चमका, इकोनॉमिक्स क्यों आया, इकोनॉमिक्स ने क्या बताया, हिटलर माना कि नहीं माना, जल्दी बताओ। हाय शिने, हाय तानिया, हाय विवेक, हाय हर्ष, रोहित, सत्यम, खुशी, हाय बच्चा, चमक गया, चलो ठीक है। तो हिटलर और इकोनॉमिक साहब ने मिलके किया है दो प्रोग्राम। प्रोग्राम नंबर वन, सुपर हाईवे, पूरी कंट्री में हाईवेज बना दिए, बहुत बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, छोटे मोटे हाईवे नहीं, सुपर डुपर हाईवे, 6 लेन 8 लेन हाईवेज। अब इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि कंट्री की तो डेवलपमेंट हुई हुई, कंट्री तो आगे गया क्योंकि भैया हाईवेज बन रहे हैं ना, तो सुंदर लगेगा जर्मनी अपना, डेवलप लगेगा जर्मनी, राइट। बट लोगों को मिला एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन, कोई रोबोट से थोड़ी कराते थे कंस्ट्रक्शन, हिटलर ने दी लोगों को कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट सुपर हाईवेज बना के। एक चीज से दो गोल्स कर लिए उसने, सुपर हाईवे बना के जर्मनी एज अ कंट्री भी डेवलप हो गया और जर्मनी के लोग भी डेवलप्ड हो गए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल गई। दिमाग तो पूरा लगाया था, राइट। सेकेंड पॉइंट है, ये जो कार कंपनी आप देखते रहते हो ना सड़कों पे आजकल, फोक्सवैगन, ये लोगों की जो कार कंपनी है, चीप कार बनाती है, उस जमाने से ये कार कंपनी लगवाई थी हिटलर ने जर्मनी में ताकि लोगों को मिले एम्प्लॉयमेंट। जर्मनी बनाए कार, जर्मनी शुड प्रोड्यूस कार, पीपल शुड बी एम्प्लॉयड इन द फोक्सवैगन एंड जर्मन कार शुड रूल द वर्ल्ड। जर्मनी के पास पैसा है, जर्मनी के लोगों के पास पैसा है, तो इन दो स्ट्रैटेजी के साथ हिटलर ने मार ली बाजी और क्रिएट कर दिया 100% एम्प्लॉयमेंट। बैंग ऑन 100% एम्प्लॉयमेंट, राइट। चलो आ रहा है क्विज क्वेश्चन आ रहा है, अभी इसी टॉपिक में से आएगा क्विज क्वेश्चन, पे अटेंशन। चलो अब हिटलर की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। हाउ वाज, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी बच्चा, हाउ अ कंट्री कंडक्ट्स इटसेल्फ विद अदर कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसा इंटरेक्शन रखता है, इसे बोलते हो आप फॉरेन पॉलिसी। दूसरी कंट्री ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ क्या इंटरेक्शन रखता है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो। चलो अब हिटलर के राज में, अंडर द रूल ऑफ हिटलर, लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द जर्मनी। फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर वन, लीग्स ऑफ नेशन छोड़ दिया। बोलोगे मैम लीग्स ऑफ नेशन क्यों छोड़ा, और ये लीग्स ऑफ नेशन क्या है? लीग्स ऑफ नेशन पेरेंट बॉडी है करंट यूनाइटेड नेशंस की। जब बच्चा पार्टी वर्ल्ड वॉर नंबर वन हुई थी ना, तो देशों को लगा, ऑल द कंट्रीज थॉट दैट बाबा रे वी कांट डील विद सो मच ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हमसे दोबारा नहीं हो पाएगी वर्ल्ड वॉर। तो ऑल द नेशंस, ऑल द एलाइज, जो लोग जीते थे, जो कंट्रीज जीते थे, उन्होंने मिलकर लीग्स ऑफ नेशन बनाई, राइट। Now this League of Nation clearly failed. Fail तो हो ही गई थी क्योंकि हिटलर भाई साहब ने वर्ल्ड वॉर नंबर दो कर दी थी। तो League of Nation का दूसरा बड़ा रूप बनाया गया था वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। एनसीईआरटी में ये पॉइंट मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, राइट। तो 1933 हिटलर ने बोला League of Nation किसी काम की नहीं है, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट उसने छोड़ भी दी। League of Nation छोड़ते ही अब निकल पड़ा था हिटलर अपने मंसूबे पूरे करने। हिटलर था इस वन ट्रैक माइंड में। हिटलर यूज्ड टू थिंक, देखो भाई कंट्री को डेवलप करने के दो तरीके, देयर आर टू वेज टू डेवलप अ कंट्री। वन, कीप इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री, अपनी कंट्री में पैसा लगाते रहो, स्कूल्स बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, कंपनीज बनवाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। दूसरा मॉडल है कि बाकी कंट्रीज को कैप्चर कर लो, कैप्चर अदर नेशंस, कैप्चर देयर रिसोर्सेज, फीड ऑन देम लाइक अ पैरासाइट। और हिटलर बन गया था अब पैरासाइट। हिटलर ने ऑक्यूपाई कर लिया था राइनलैंड को दोबारा, तो छीना गया था ना जर्मनी से वर्ल्ड वॉर नंबर वन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, दैट राइनलैंड हिटलर टुक अगेन, रीऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है भाई, गुड, वेरी नाइस, राइनलैंड तो बनता था, बट व्हाट अबाउट सुडेंटनलैंड? वो तो नहीं बनता था, चेकोस्लोवाकिया से वो क्यों ले लिया गया, वो मजे में ले लिया गया, रिसोर्सेस कलेक्ट करते हुए ले लिया गया। हिटलर पैरासाइट बनते हुए नेशंस को बड़े ही चालाकी से कैप्चर करता जा रहा था, अपना बनाता जा रहा था, डोमिनेट करता जा रहा था। क्यों? क्योंकि हिटलर को मांगता था आपका खाना पीना, फूड रिसोर्सेस, आयरन रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस,
सारे रिसोर्सेस के लिए हिट कर अब वन ट्रैक माइंड पे था कि सारे कंट्रीज को कर लूंगा कैप्चर, जर्मनी को बनवा दूंगा सुपर डुपर पावर। और इसमें इंग्लैंड ना इसकी, अब बोलोगे मैम हिटलर की हेल्प क्यों कर रहा था इंग्लैंड, इंग्लैंड तो हिटलर के अगेंस्ट था ना वर्ल्ड वॉर नंबर वन में। बच्चा यही तो पॉलिटिक्स है, दिस इज पॉलिटिक्स, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इंग्लैंड हैड अनसेड सपोर्ट टू जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर नंबर टू, लेकिन इंग्लैंड की भी आंखें खुलने, इंग्लैंड की आंखें बड़ी ही जल्दी खुलने वाली थी, क्योंकि हिटलर के मंसूबे, हिटलर वॉजंट लॉयल टू एनीबडी एक्सेप्ट फॉर जर्मनी, हिटलर किसी और से लॉयल ही नहीं था जर्मनी को छोड़ के, तो इंग्लैंड की भी आंखें खुलने वाली थी। आई टेल यू मोर अबाउट इट, बट बिफोर दैट इज योर क्विज क्वेश्चन बच्चा पार्टी, योर क्विज क्वेश्चन इज, कौन सी कार कंपनी बनाई थी हिटलर ने टू क्रिएट कंट्री फंडेड स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है उसका मतलब है जर्मनी, उसका मतलब है कंट्री। फुल या तो चल मी फोर्ड, फोक्सवैगन, फरारी और बोथ फोक्सवैगन एंड फरारी। जल्दी से लाइव चैट वाले बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, ओनली देन आई विल मूव ऑन। चमका की नहीं चमका, एडवेंचर ऑफ पीसी, आई एम द बेस्ट। बाउंस बैक हर्षिता, आई नो राइट। हाय प्रत्युष, आंसर बताओ बच्चा पाड़ी, कौन सी कार कंपनी बनाई थी हिटलर ने। आंसर मिल गया मुझे यहाँ पे, दाल करे स्पोक्स बैग एंड ऑल द चिल्ड्रन वाचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, क्योंकि तभी आओगे स्क्रीन पे नेक्स्ट टाइम, ओनली देन आई विल कॉल आउट योर नेम पर्सनली। चल आगे चलते हैं। अब क्या हुआ ना, अब जो इकोनॉमिस्ट भाई साहब लाए थे, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्हें समझ आ गया था कि यार हिटलर को इंटरेस्ट कम है अपनी कंट्री को सुधारने में। हिटलर हैज गॉन टू अनदर डायरेक्शन, नाउ हिटलर वॉन्ट्स टू कैप्चर अदर कंट्री। हिटलर इज स्पेंडिंग मोर ऑन द आर्मी, मोर ऑन द वेपन्स। हिटलर ज्यादा पैसे वेपन्स पे लगा रहा था, आर्मी पे लगा रहा था। तो इकोनॉमिस्ट भाई साहब ने बोला हिटलर, व्हाट आर यू डूइंग, यू शुडंट डू दिस, नो, स्पेंड ऑन योर ओन कंट्री, नो। हिटलर सेड, माय कंट्री माय रूल, वन एम्पायर वन लीडर, ऑल द पीपल स्पीकिंग वन लैंग्वेज। हिटलर इस स्ट्रेटजी के साथ अब इकोनॉमिस्ट की बात सुनने से भी इनकार कर रहा था। हिटलर चोज वॉर ओवर डेवलपमेंट, Hitler chose war over his economies, Hitler chose war over peace. यही हुई थी गलती, right? Hitler का decision ही गलत था, right? चलो अभी master plan पढ़ते हैं। Master plan, पूरी मैं एक बात बता दूं बच्चा पारी, not only you guys, just because it's in your syllabus you are studying it, but पूरी दुनिया जानना चाहती है। In fact, even today, everybody wants to know why and how could Hitler succeed, and if he did succeed, how could he fail? मतलब ये कौन सा व्यक्ति था, इसके दिमाग में क्या चलता था, क्या करता था, क्या सोचता था, क्या बोलता था, पूरी दुनिया जानना चाहती है। And you are gonna get the answer right here in the class, so don't forget to hit the like button. Okay? अभी like button दबाओ, सारे बच्चे, 189 students are there in my class. I want each of you to hit the like button right now because we are learning about one of the world's most interesting personalities, Adolf Hitler. Vivek Ojha, आपका सारा confusion दूर हो जाएगा, जरा 8 बजने का इंतजार करें, 8 बजे आ रहा है आप लोगों के लिए कोई बहुत ही बड़ा सा धमाका। Stay tuned to the channel, subscribe to it, watch out for it. Okay? चलो, तो अब हिटलर क्या कर रहा था, एक्यूमुलेट कर रहा था, टेरिटरी इकट्ठी कर रहा था, टेरिटरी का मतलब लैंड, तो बाकी नेशंस के टेरिटरी एंड रिसोर्सेज हिटलर कैप्चर कर रहा था। मास्टर प्लान देखो, 1929 में हिटलर ने शुरू किया, हिटलर ने इन्वेड किया पोलैंड, हिटलर ने इन्वेड किया वेस्ट साइड में पड़ा हुआ कंट्री पोलैंड को, राइट? ठीक है भाई, पोलैंड हो गया हिटलर का। नाउ सम पार्ट ऑफ पोलैंड अभी भी रशिया के पास था, ठीक है, ये बात यही याद कर लो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा। पोलैंड आधा तो कैप्चर कर लिया हिटलर ने, आधा अभी भी था रशिया के पास, राइट, सोवियत यूनियन के पास। तो हिटलर ने बनाया बड़ा सा पैक्ट, होता है ना जब आपको लगता है दैट मैम आई एम गुड इन सोशल साइंसेस बट नॉट सो मच इन फिजिक्स और बायोलॉजी, सो यू सीक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, पैक्ट बना लेते हो कि यार तू मेरे को ना, तू मेरे को फिजिक्स पढ़ा दे, मैं तेरे को सोशल पढ़ाऊंगा, राइट। सिमिलरली हिटलर मेड अ पैक्ट विद टू अदर नेशंस,
those two nations are pizza and sushi. Yes, you heard me right. Pizza and sushi ke saath Hitler ne banaya pact. I mean to say that Italy aur Japan ke saath Hitler ne banaya pact. Bachcho badi history bahut boring lagegi agar interesting tarike se nahi padhoge. To apne liye aise interesting cues banana shuru kar do dimag mein. Right? Kyunki class 10th bhi mein bhi aapko history padhni hai. तो इटली और जापान के लिए हिटलर ने बनाया पैक्ट. पैक्ट का नाम था ट्राइपार्टाइट पैक्ट. तीन हिस्से है ना भाई, तीन हिस्से है तो ट्राई तो आएगा ही. ट्राइपार्टाइट पैक्ट 1904, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पैक्ट बना दिया था हिटलर ने. 1940 तक आते आते, बाय द एंड ऑफ द 1940 हिटलर वॉज ऑन द पिनाकल ऑफ द पावर. पिनाकल ऑफ द पावर मतलब चोटी. अगर पावर एक माउंटेन है तो हिटलर माउंटेन के टॉप पे था. हिटलर वॉज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ पावर. राइट? लेकिन अब हिटलर की टाई टाई फिर सुने, एक गलत मूव आने वाला था. दिस गलत मूव, दिस बैड मूव इज ऑल्सो नोन एज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ 1941. हिटलर ने कर दी बच्चा पार्टी गलती. गलती थी सोवियत यूनियन पे अटैक करना था. गलती थी अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना. देखो भाई, हिटलर ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो इंग्लैंड हो गया गुस्सा. ठीक है, इंग्लैंड ने अब गुस्से में आके हिटलर को अपना दुश्मन मान लिया. राइट? सो ये पिक्चर देखो जरा. पिक्चर देख अभी बताती हूँ, एक सेकेंड दो. तो हिस्टोरिक ब्लंडर में हिटलर ने कुछ ऐसा किया जिसने सोवियत यूनियन से भी पंगा ले लिया और ब्रिटेन से भी पंगा ले लिया. I'll tell you more about it through a map, through a diagram. So that is a quiz question number two. Quiz question number two is, which of the following countries was not a part of the Tripartite Pact of 1940? कौन सी इसमें से कंट्री इस पैक्ट का हिस्सा नहीं थी? इटली, जर्मनी, जापान और नन ऑफ द अबव. थिंक अबाउट इट. 5 seconds. Live chat people, you have 5 seconds to give me your answer. Hi Hakima, hi Pratyush, Anjali, Pratham, Rajesh, Anand. Hello. Comment section would be shown, bacha, when this video would be over. Manav, pitai lagegi. Less spam and all. Hi Abhinav, hi Anandi, hi Sakina. Hi Pushpendra. मुझे मिल गया अपना आंसर. पुष्पेंद्र रॉन्ग आंसर बच्चा. हर्षित राइट, सकीना राइट, आनंदी राइट, वेल डन, शोभा राइट, नौशभा राइट, धृति राइट. नो, धृति इज रॉन्ग. नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू द राइट आंसर. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ये तीनों ही कंट्रीज इस फैक्ट के पार्ट थे. कभी कभी ऑप्शन डी को भी देख लिया करो, हमेशा आपको लगता है कि ए बी सी में से होगा. राइट? चलो, मैम कंफ्यूज करती रहती है. अभी देखो जर्मनी की जरा पोजीशन देखो डायग्राम में. जरा थोड़ा जर्मनी से थोड़ा लेफ्ट साइड को देखो. थोड़ा लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को क्या दिख रहा है? यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है. तो जब जर्मनी ने अपने राइट साइड पे, इट मींस वेस्ट साइड पे लड़ाई करना शुरू किया तो यूनाइटेड किंगडम को मिल गया मौका. व्हेन हिटलर, व्हेन जर्मनी स्टार्टेड अटैकिंग सोवियत यूनियन. पोलैंड के पास में सोवियत यूनियन है, इस मैप में दिख नहीं रहा है. व्हेन हिटलर स्टार्टेड अटैकिंग सोवियत यूनियन ऑन द वेस्ट फ्रंट, The East Front was armyless. इस पे तो आर्मी नहीं थी. आर्मी लगानी चाहिए था ना. आपकी बिल्डिंग के दो दरवाजे हैं, एक पे सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, दूसरा दरवाजा खुला छोड़ दिया, दूसरे से चोर आ जाएंगे ना भाई. राइट? तो दोनों पे सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ेंगे. लेकिन नहीं, यही तो हिस्टोरिक ब्लंडर था दैट जर्मनी डिड नॉट हैव मच ऑफ आर्मी ऑन द ईस्ट साइड. और यही मौका था यूनाइटेड किंगडम के पास कि यूनाइटेड किंगडम ने ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, यूनाइटेड किंगडम ने वेस्ट साइड से, यूनाइटेड किंगडम ने वेस्ट साइड से करना शुरू कर दिया एरियल बॉम्बिंग. मतलब कि उड़ते उड़ते बॉम्ब फेंके जा रहे थे. राइट? हवा में से बॉम्ब फेंके जा रहे थे, प्लेन से बॉम्ब फेंके जा रहे थे. तो यूनाइटेड किंगडम ने तो बैंड बजानी शुरू कर दी आपकी जर्मनी की. अभी बात करते हैं हम सोवियत यूनियन की. सोवियत यूनियन ने क्या किया? सोवियत यूनियन भी कम नहीं थी. सोशलिज्म इन रशिया आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि उस जमाने में सोवियत के लोगों के पास कितना गुस्सा, कितना एग्रेशन होता था. राइट? तो सोवियत रेड आर्मी ने क्रश करना शुरू कर दिया हिटलर की आर्मी. स्टालिनग्राद जैसी जगह पे हिटलर की ऐसी डिफीट हुई कि हिटलर का सारा एफर्ट,
सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। इनफैक्ट घसीटते घसीटते जर्मन सोल्जर्स को सोवियत रेड आर्मी लेके पहुंच गई बर्लिन कि यहीं रुको, अपने कदम दोबारा सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तबाड़ी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, जल्दी से बताओ। वैभव गुप्ता कितनी बार बोलेगा बेटा, कमेंट में भी आपको बताया मैंने, करवाऊंगी जरूर कराऊंगी। हिटलर वॉज बॉर्न, उसकी वजह से एक चैप्टर पढ़ गया ऐसे, कमेंट तो अच्छा है काफी। हिटलर वॉज बॉर्न, हाँ नहीं हुआ होता तो चैप्टर तो नहीं मिलता क्लास टाइम्स में, बट बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यू आर गोना थैंक मी इयर्स आफ्टर दिस एंड यू आर गोना बी लाइक मैम कितना इंटरेस्टिंग आदमी था। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि बड़ा चैप्टर है, पेपर में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? सी हियर सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल रियलाइज इसका अगला सेशन जो होगा ना वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वो बहुत सैड भी है, बहुत सैड, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत इमोशनल, उसके लिए जरूर आना, ठीक है? चलो, तो सोवियत रेड आर्मी ने छक्के छुड़ा दिए थे हिटलर के, जर्मनी के, और इस सब के साथ अब हिटलर की एनर्जी और हिटलर के एफर्ट हो रहे थे धीरे धीरे कम। बात आती है यूएसए क्या कर रहा था, द पावरफुल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज यूएसए क्या कर रहा था, व्हाट वाज द रोल ऑफ यूएसए इन द वर्ल्ड वॉर नंबर टू। तो यूएसए कर रहा था चिल, यूएसए ले रहा था चीजों को लाइटली, यूएसए वॉज लाइक यू गाइस फाइट, आई एम डन विद इट। वर्ल्ड वॉर नंबर वन में मैंने देख लिया, मेरा बहुत खर्चा हुआ, मेरे बहुत सारे लोग मारे गए, मेरे को नहीं करनी लड़ाई वड़ाई, तुम लोग अपना देख लो। तो यूएसए वॉज रेसिस्टिंग द इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर बिकॉज यूएसए डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द इकोनॉमिक लॉस अगेन, राइट? तो ऐसे थोड़ा लाइट ले रहा था, पीछे बैठा हुआ था बैक सीट लेके। लेकिन लेकिन जो हमारे जर्मनी का दोस्त था, द फ्रेंड ऑफ जर्मनी, द जापान, जापान तो यूएसए को छेड़ रहा था, जापान वॉज पोकिंग यूएसए, और ऐसे ही पोक करते हुए जापान ने कर दिया पर्ल हार्बर पे अटैक। बच्चा सोचो, बैठा हुआ था शाम, बैठने देते यूएसए को, क्या जरूरत थी पोक करने की, लेकिन नहीं, जापान ने कर दिया पर्ल हार्बर पे अटैक। पर्ल हार्बर था यूएसए का नेवल बेस, ऐसा बेस, ऐसा एरिया यूएसए का जहां पे उसकी आर्मी स्टैंड करती थी, नेवल आर्मी स्टैंड करती थी, और इसी से यूएसए को आ गया बहुत सारा, बहुत सारा, 100 on 100 गुस्सा। और यूएसए ने बोला enough is enough, बहुत हो गया तुम लोगों का, कब से लड़ाई कर रहे हो, अब तक खुद लड़ाई कर रहे थे तब तक ठीक था, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो यार, अभी रुको तुमको दिखाता हूं मैं। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने किया एटॉमिक बॉम्बिंग, आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। यूएसए डिड एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा, हिरोशिमा पे गिरा दिया एटॉमिक बम। बच्चा जेनरेशन, ये एक बम ने हिरोशिमा में, जापान में, इवन नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी में सिर्फ एक जनरेशन को अफेक्ट नहीं किया। एटॉमिक बम जब गिरता है तो जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे आपकी बॉडी में चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से जेनरेशंस आफ्टर जेनरेशंस उसका परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते रहे। बट एक बात मैं फिर से बता देती हूँ, दैट इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम मी, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, यू हैव टू ज्वाइन अन अकेडमी। बच्चा बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 6 महीने के लिए तो जरूर ज्वाइन कर लो, इससे ज्यादा टाइम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन जो है आपकी क्लास 11th में भी, एक्चुअली नहीं, इस कैटेगरी के लिए तो इसी में रहेगा, लेकिन आप आपके छोटे भाई बहनों को भी वो सब्सक्रिप्शन दे सकते हो, राइट, जो क्लास 9th या 10th में आने वाले होंगे। थिंक अबाउट इट, टेक योर कॉल, 6 months, 1 year, 12 months, इट डजंट मैटर, मैं आपको जो कोड दे रही हूँ उससे 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। SHUBHLIVE, देयर गोज योर डिस्काउंट, ज्वाइन टूडे इटसेल्फ, और मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे ने ज्वाइन किया है। फाउंडेशन NTSC ज्वाइन करना हो तो भी सोच सकते हो आप, सब्सक्रिप्शन पे आपको मुझसे पढ़ने को मिलेगा, पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी, मैं डेली बेसिस पे डाउट्स लूंगी, बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस होंगे, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट पेपर्स होंगे, मॉक पेपर्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, राइट, ये सब कुछ मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक इन द कॉमेंट्स। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। मुझसे मत पूछना, मैं बाद में ही बता पाऊंगी, बट आई विल टेक योर लीव नाउ। Thank you so, 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 so very much. Bye-bye.